राजगढ़ में संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज का रथ 26 जुलाई बुधवार को बदनावर से होकर राजगढ़ में प्रवेश करेगा। इसको लेकर रविदास समाज की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। श्री शिरोमणि रविदास महाराज ट्रस्ट मंडल राजगढ़ के लक्ष्मण डमेचा ने बताया कि रथ के आगमन पर राजगढ़ नगर में भव्य जुलूस निकाला जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है समाज के लिए एवं सभी समाज के लोगों के लिए। ये एक सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले महान गुरु थे, जिन्होंने समाज को एक सूत्र में करने का प्रयास किया था। उनका भव्य मंदिर शासन द्वारा बनाया जा रहा है सागर के पास, लगभग 100 करोड़ से ऊपर का निर्माण होगा, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 55,000 गांवों में वो रथ जाएंगे और वहां से 30,000 नदियों का जल संग्रहण करेंगे और हर गांव से मिट्टी लेके वहां भूमि पूजन करेंगे। ये समाज के लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर बन रहा है। तो इस संबंध में आप क्षेत्र के जो जनता है, वो समाज जीव लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी समाज बंधु और सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने राजगढ़ नगर में जो रथ आ रहा है, जो गुरुदेव का रथ राजगढ़ नगर में भ्रमण करेगा, उसमें जुलूस में सम्मिलित होवे और स्वागत करें, और सभी समाज बंधु आसपास के राजगढ़ के, वे दिनांक 26 जुलाई 2023 वार बुधवार को प्रातः 11 बजे नवीन भवन सरकारी अस्पताल राजगढ़ पर पधारे और जुलूस में योगदान देवे और यादगार पल बनावे। इसको आपका सुना लक्ष्मण मांगीलाल जी डामेचा, समाज सेवी राजगढ़। ठीक है।